हरियाणा के रण में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने रोहतक में चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद रोहतक पहुंचे हैं, हरियाणा का जायजा लिया है, उन्होंने बातें भी की। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का मूड नजर आ रहा है आपको प्रदेश का? देखिए, जो भी हमने यहाँ देखा है, यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस नहीं है, यहाँ हुड्डा कांग्रेस है। जो कुछ भी दिल्ली कहे वो ना सही, जो हुड्डा जी उनके पुत्र जी कहे वही सही। तो जैसे ही हुड्डा जी का नाम आता है ना, तो उनके 10 साल के शासन की चर्चा होती है, हमारे भी 10 साल के शासन की चर्चा होती है। तो जनता हमारे साथ आएगी और मुझे स्पष्ट लगता है कि भाजपा को प्रामाणिक अच्छा बहुमत मिलेगा। हुड्डा किस संदर्भ में सामने आ रहा है? उनका कुशासन, उनके भ्रष्टाचार, दामाद श्री की चिंता। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अलायंस करो आम आदमी पार्टी से, कुछ टिकट दो, समाजवादी को हम नहीं देंगे। कुछ तो कहा जाए कि शैलजा जी बड़ी नेत्री, उनको भी सम्मान दो। क्या मिला आपने भी देखा? और तो और, मैनिफेस्टो दिल्ली में जारी करना पड़ा, चंडीगढ़ करनाल थोड़ी करनाल या रोहतक में नहीं हो सका, ये भी सच्चाई है। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो की बात की कि कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की जो पूरी नहीं हो सकती, आपके भी घोषणा पत्र में सारी चीजें शामिल है। वो 2000 की बात कर रहे हैं, आप 2100 की बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। एक विषय होता है आपके काम करने की क्षमता क्या है और आपका पूर्व का इतिहास क्या है, और दूसरा है घोषणा, पोंगर पंथी घोषणा। अगर हमने कहा लाडली बहन योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, एमपी में करके दिखाया कि नहीं? अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना है तो दिया कि नहीं? 200 करोड़ लोगों को कोरोना के फ्री टीके लगवाए कि नहीं लगवाए? संचार मंत्री के रूप में मैं भी उसमें लगा हुआ था पीएमओ के साथ। तो ये होता है काम करना। ये हमारे, आप कहते हैं ना गोत्र क्या है काम करने का, तो ये हमारा गोत्र है।